फाइन दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलम लॉ। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा ही। कूलम लॉ एक्सप्रेशन देता है फोर्स का बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, तो जो कूलम लॉ होता है वो इस तरह से हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्यू वन है और दूसरा पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्यू टू है। फाइन, तो कूलम्स लॉ हमें देता है एक फोर्स का एक्सप्रेशन जो कि इन दोनों चार्ज के बीच में है। ठीक है, अब इस पे फोर्स लगाने के लिए एक दूसरा चार्ज तो चाहिए ही चाहिए, तो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के, है कि नहीं। अगर ये अकेला चार्ज बैठा हुआ है यहां पे Q2, तो इस चार्ज पे कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है, तो ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। तो कूलम ने बड़े ही कूल तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए और ये निकाला जो फोर्स है दैट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 इनटू Q2। और अगर लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स जो है That is proportional to 1 by r square, okay? और फोर्स तो आपको पता ही कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? ये तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात की। जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, तो इसका जो फोर्स है इसके द्वारा वो अलोंग दिस लाइन ही एक्सपीरियंस होगा, ओके? और वो फोर्स अट्रैक्शन होगा, मतलब कि कहने का कि अट्रैक्शन इस तरह से होगा इफ Q1 into Q2 इज अगर अपोजिट